गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड चैप्टर 3 वॉवल्स मार्क्स इन हिंदी व्याकरण। बच्चों, आज हम चैप्टर 3 का अध्ययन करेंगे और चैप्टर 3 का नाम है मात्राएं। ठीक है, हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक में से चैप्टर 3 मात्राएं रीड करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे और उनके बारे में समझेंगे। ओके, तो बच्चों देखो, मात्राएं किसे कहते हैं आपको पता होगा। बच्चों, HKG क्लास में हमने सिखाया ना आपको कि HKG क्लास में आप सारी मात्राएं सीख के आए हैं। आ की, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना, ए आई। तो जो स्वर होते हैं ना बच्चों, इन सबकी जो मात्राएं होती हैं वो कहलाती है मात्राएं। ठीक है, HKG क्लास में आप सीख के आए हैं मात्राएं। अब इन्हीं को आगे समझते हैं बच्चों, ये चैप्टर मात्राएं का है, इसके बारे में और समझते हैं। बच्चों, सभी स्वरों की मात्राएं होती है लेकिन अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। देखो बच्चों, ये जो आपका चैप्टर 3 है इसमें ये बताया गया है कि जो स्वर होते हैं ना बच्चों, सारे स्वर अ से अह तक हम स्वर जो पढ़ते हैं, अ से ओ औ तक जो स्वर हम पढ़ते हैं, अंग खाली और अह खाली तक, है ना, अ ई, तो इसमें बच्चों सारे स्वरों की मात्राएँ होती है। पढ़ी थी ना हमने आ की मात्रा, छोटी बड़ी की, HKG क्लास में आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों, तो सभी की मात्राएँ होती है। लेकिन अ से अनार जो होता है बच्चों, इसकी मात्रा नहीं होती है ना। अ से अनार की कोई मात्रा नहीं होती, मतलब ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, स्वर व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। ओके बच्चों, जो हम स्वर पढ़ते हैं ना, अ आ ई उ, ये बच्चों ये व्यंजन जो पढ़ते हैं हम, व्यंजन भी ध्यान है आपको, भूले तो नहीं आप कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन बच्चों वो क ख ग घ ण जो हमने HKG क्लास में पढ़े थे ना बच्चों, और आपके इस फर्स्ट में भी रिवीजन है सब, है ना, स्वर और व्यंजन का फर्स्ट क्लास जो आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक है उसमें भी स्वर और व्यंजन का रिवीजन दिया है। तो बच्चों, जो व्यंजन होते हैं क ख ग घ ण, उनमें स्वर की मात्राएं जुड़ती है, स्वर उनके साथ जुड़ते हैं। ठीक है ना, स्वर जो होते हैं वो व्यंजन के साथ, स्वर कौन से, अ ई, तो जो स्वर होते हैं बच्चों ये व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। इट मीन्स जो स्वर की जो मात्राएं होती है बच्चों, आ की, ई ई की, वो व्यंजन में, जैसे क ख ग घ ण, ज्ञ तक, है ना बच्चों, व्यंजन में मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। समझ गए आप? देखो, व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जो व्यंजन होते हैं हमारे क से लेके ज्ञ तक, उसमें जो बाद में जो जुड़ता है वो मात्राएं कहलाती है और वो स्वर के रूप में जुड़ती हैं। ओके, जो स्वर होते हैं ना वो मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको, इस इंडेक्स से जो सारणी दी है आपको, है ना, ताली का जो सारणी, इसके द्वारा और समझते हैं अच्छे से। देखो, इसमें आपको अपनी बुक में इस चैप्टर में दिया है कि विभिन्न स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है। जैसे देखो, एक साइड तो आपको बच्चों स्वर दिए हैं सारे, है ना, ये स्वर दिए, और उसके सामने उनकी मात्राएं लिखी है, लिखी है ना, मात्रा, स्वर और मात्रा। ठीक है, इनको समझते हैं। उसके बाद बच्चों इसमें आगे दिया है व्यंजन प्लस मात्रा, फिर आपको व्यंजन बताए गए हैं क ख क क, है ना, और उसके बाद उसमें उनकी मात्रा जुड़ रही है तो वो क्या बन रहा है। ठीक है ना, व्यंजन में जब हम मात्राएं जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वो लिखा है। ठीक है, और बाद में आपको मात्रायुक्त शब्द, मतलब उनसे जो मात्राओं से जो अब मात्रा और व्यंजन जुड़ के जो शब्द बनते हैं ना बच्चों, उसके बारे में बताया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम कि विभिन्न मात्राएं से जो स्वर मात्राएं जो लगाते हैं स्वरों की, वो किस तरह से लगती है और उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले तो स्वर आपको दिया है अ, अ से अनार जो होता है बच्चों, सबसे पहले स्वर लिखा अ। अब इसके सामने देखो बच्चों, इसमें डैश कर दिया है ना, खाली छोड़ा, मतलब अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ जो स्वर होता है बच्चों, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, अब उसके नीचे देखो आ, आ से आम जो कहते हैं। ठीक है, आ, आ की मात्रा होती है बच्चों, आपको HKG क्लास में सिखाया था ना हमने, आ की मात्रा होती है एक स्टैंडिंग लाइन, एक खड़ी रेखा के रूप में, बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा हम लगाते हैं किसी भी अक्षर के पीछे, जब सीधी खड़ी रेखा एक स्टैंडिंग लाइन खींच जाती है तो वो आ की मात्रा कहलाती है, है ना बच्चों, आ की मात्रा आप सीख के आए। उसके नीचे देखो बच्चों, ई, छोटा ई, स्वर दिया है छोटा ई, और उसके सामने उसकी मात्रा दी है, छोटी की मात्रा आपको बताई थी ना, जो अक्षर के आगे की तरफ से लगती है ना, लेफ्ट हैंड साइड से आगे की तरफ लेके और ऊपर की तरफ ले जाके बनाते हैं ना, आगे की स्टैंडिंग लाइन करके ऊपर बनाते हैं, तो ये होती है छोटी ई की मात्रा। उसके बाद बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा पीछे से लगती है बच्चों, है ना, कोई अक्षर लिखा है तो उसके पीछे की तरफ एक स्टैंडिंग लाइन, एक आ की मात्रा लगा के उसके ऊपर ले जाके बनती है, सीधे हाथ की तरफ से। ठीक है, छोटी ई की मात्रा उल्टे हाथ की तरफ से लगती है और बड़ी की मात्रा सीधे हाथ की तरफ से। ठीक है, अब उसके बाद है छोटा ऊ,
छोटे उ की मात्रा बच्चों देख लो, इस तरह से टर्न करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं। दिया है ना आपकी मात्रा, बुक में देखते जाइए आप, है ना, इस पेज में देखते जाइए। नेक्स्ट है बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा बच्चों इस तरह से छोटा सा टर्न करके उसको नीचे की तरफ घुमाते हैं, है ना, नीचे की तरफ मोड़ते हैं, तो ये कहलाता है बड़े ऊ की मात्रा। उसके बाद है री की मात्रा। देखो बच्चों री की मात्रा जो नीचे पदेन में लगती है, बिल्कुल छोटा सा ऐसे गोल हाफ सर्कल बनता है, आधा गोला बनाते हैं, तो ये री की मात्रा होती है, ठीक है। इसके बाद है बच्चों ए से अड़ी, छोटा ए। ए से अड़ी की मात्रा कैसे लगती है बच्चों, ऊपर ले जाके एक मात्रा लगती है। कितनी लगाते हैं, केवल एक मात्रा लगती है, तो वो कहलाती है ए से अड़ी की मात्रा। उसके बाद है बच्चों आई की मात्रा, आई से ऐनक। ये बच्चों दो लगती है, ऐसे ऐनक की मात्रा कितनी लगती है बच्चों, दो मात्रा लगती है, ठीक है ना। चलो इसी के आगे मैं आपको बच्चों वो भी बताती हूँ, ऐसे ऐनक के बाद कौन सी मात्रा आती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज में देखो बच्चों, ओ से ओखली की मात्रा कैसे लगती है। पहले आ की मात्रा लगाते हैं और उसके ऊपर एक मात्रा लगाते हैं, तो वो कहलाती है ओ से ओखली की मात्रा, ठीक है। और बाद में स्वर, अंतिम जो आपका स्वर है बच्चों वो है औ। औ से औरत, इसकी कितनी मात्रा लगती है बच्चों, दो, दो मात्राएं लगती है। याद आ गया आपको सब, है ना। छः जी क्लास में हमने इन स्वर की सारी मात्राएं सीखी थी ना बच्चों, आ से लेके आ ई उ री ए आई ओ औ, ये सारी मात्राएं हमने वापस से रिविजन करी, ठीक है। चलिए वापस फिर से फर्स्ट पेज पे आते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट पेज में बच्चों देखो, अभी हमने स्वर और मात्रा तो पढ़ ली, ठीक है। अब आगे देखो व्यंजन प्लस मात्रा। अब हम व्यंजन में ये मात्राएं कैसे लगाते हैं बच्चों और उसको क्या बोलते हैं, ये पढ़ते हैं, है ना। इस आप इस सारणी में देखते जाइए ढंग से, है ना, थर्ड वाला ब्लॉक देखो। अब व्यंजन है बच्चों क, क प्लस अ लिखा है, मतलब क में जब अब आप ए की मात्रा लगाते हो या अ उसमें जुड़ता है तो वो कहलाता है क, ठीक है ना। आधा के में आ की ए लिखते हैं तो बनता है क, क से कबूतर पूरा क, ठीक है। दूसरा देखिए क प्लस आ। अब क में जब आ की मात्रा लगाते हैं बच्चों, आ की मात्रा जोड़ते हैं, है ना, तो क्या बनता है का। पढ़ा था ना हमने एच के जी क्लास में, जब मात्राएं पढ़ी थी तो 12 खड़ी पढ़ी थी ना बच्चों ऊपर, तो उसमें कैसा था, क का की ऐसे लिखा था ना, तो वही वाली बात है बच्चों, कि क में आ की मात्रा हमने लगाई तो बन गया का। उसके बाद देखिए क में छोटी ई की मात्रा, क प्लस ई, छोटी की मात्रा जोड़ेंगे बनेगा कि, क्या बोलेंगे इसको, कि। पढ़ते समय ध्यान दीजिए बच्चों और लिखते समय ध्यान दीजिए कि छोटी की मात्रा कहाँ लगती है, उल्टे हाथ की तरफ से ऊपर ले जाके, है ना। चलिए उसके बाद क प्लस बड़ी की मात्रा, क में जब बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो उसको पढ़ते हैं हम की, क्या बोलेंगे की, है ना, थोड़ा लंबा प्रोनाउंस करते हैं, थोड़ा लंबा बोलते हैं, जो मैंने आपको एच के जी क्लास में भी सिखाया था, बताया था ना बच्चों। तो और बड़ी की मात्रा कहाँ से लगती है बच्चों, सीधे हाथ की तरफ से ऊपर ले जाके, है ना, सीधे हाथ की तरफ से। चलिए उसके बाद है क प्लस उ, छोटा उ, क में छोटे उ की मात्रा लगाएंगे तो कहलाएगा कुक, कैसे बोलेंगे कुक, छोटा उ है उसको छोटा करके बोलेंगे कुक, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों क प्लस उ, बड़ा उ, तो इसको बोलेंगे कू, क में बड़े उ की मात्रा लगी क्या बना कू, ठीक है। और मात्रा देखते जाइए कैसे लगानी है, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखिए बुक में। अब उसके बाद है क पे री की मात्रा, से ऋषि होता है बच्चों, जो री की मात्रा, तो बनाइए क्री। देखो कह के नीचे री की मात्रा लगाइए, जो आधा गोला बनाया है ना, ध्यान से तो इसको पढ़ेंगे क्री। नेक्स्ट है बच्चों क पे ए की मात्रा, ए से एडी की एक मात्रा लगेगी ऊपर, तो वो कहलाएगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे के, क्या बोलेंगे बच्चों के, ठीक है। नेक्स्ट है क प्लस आई की मात्रा, आई से ऐनक की मात्रा, ठीक है ना, क पे आई की मात्रा, इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों कई, क्या बोलेंगे कई, क्योंकि दो मात्रा लगी है ऐसे ऐनक की, तो इसको हम क्या बोलेंगे कई, ठीक है। चलिए अब आगे के दो स्वर और रह गए बच्चों, उनके बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। देखो क प्लस ओ की मात्रा, ठीक है, क प्लस ओ की मात्रा को, क्या बोलेंगे इसको को। अब लास्ट देखो क प्लस औ की मात्रा, औ से औरत की मात्रा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा कऊ, क्या बोलेंगे कऊ। ये एच के जी क्लास में, प्रीवियस क्लास में आप पढ़ना सीख के आए ना बच्चों कि मात्राओं को हम कैसे बोलते हैं, क प्लस औ की मात्रा कऊ, ठीक है। चलिए फिर से हम फर्स्ट पेज पे आते हैं। अब इसमें दिया है बच्चों, देखो इसमें हमने क्या सीखा, सबसे पहले स्वर देखा, फिर मात्रा देखी है ना, उनके स्वरों की मात्रा, फिर व्यंजन में मात्रा जुड़ती है तब क्या बनता है, ये पढ़ा हमने। अब आ गया मात्रायुक्त शब्द,
मतलब जब मात्रा लगाकर शब्द बनता है बच्चों, तो उसको हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, और कैसे लिखते हैं ये देखते जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपको दिया, फर्स्ट आपने जब क प्लस अ क्या बन गया क, तो अब इसका कोई शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा, कलम है कलम, जैसे ये शब्द लिखा हमने कलम है कलम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क में आ की मात्रा वाला शब्द है बच्चों, काला काला, क पे आ की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, क्या बन गया काला। चलिए नेक्स्ट, क पे छोटी की मात्रा, की ला किला, ठीक है, ल पे कौन सी मात्रा आई, आ की, और क पे कौन सी मात्रा लगाई, छोटी की ला किला, ठीक है। नेक्स्ट, क पे बड़ी की मात्रा और ले की लकील, ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे आप और देखते जाइए मात्रा लगा के कैसे शब्द बने। चलिए नेक्स्ट, क पे छोटे की मात्रा, कु रे ता कुर्ता, क्या बोलेंगे, कुर्ता। चलिए नेक्स्ट, क पे बड़े की मात्रा, कूलर है कूलर, ये बच्चों देखते जाइए मात्रा लगा के शब्द बने, है ना, क्या बोलेंगे इसको, कूलर। नेक्स्ट, क पे री की मात्रा, कृष आदर्श है ने कृष्ण, क्या बोलेंगे इसको, कृष्ण। नेक्स्ट, क पे ए की मात्रा, केतली केतली। नेक्स्ट, क पे ऐ की मात्रा, कैलाश है कैलाश, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, दो शब्द और हैं बच्चों जो मात्रा लग के बने, क पे ओ की मात्रा, कोयल है कोयल, क पे औ की मात्रा, कौ आ कौआ, ठीक है, इस तरह से ये मात्रा लगा के शब्द पढ़े गए बच्चों, है ना, ये शब्द बनते हैं जो हमने रीडिंग किए। चलिए अब नीचे क्या लिखा है बच्चों, नीचे देखो, याद रखिए इस चैप्टर में, देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज में इसमें लिखा है कि याद रखिए व्यंजन के, क्या याद रखना है हमको, कि व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्राएं, जो व्यंजन के ऊपर मात्रा लगती है वो बच्चों कौन कौन सी हो गई, ए की मात्रा और ऐ की मात्रा, ठीक है, ये व्यंजनों के डायरेक्ट ऊपर लगती है, सीधी व्यंजन के ऊपर लगती है बच्चों, ये होती है ए की और ऐ की मात्रा, ए से ए डी की एक मात्रा और ऐ से एन की दो मात्रा, ठीक है। और उसके बाद हमें बताया गया बच्चों कि व्यंजन के पहले लगने वाली मात्रा, और व्यंजन के पहले कौन सी मात्रा लगती है, छोटी की मात्रा, ठीक है ना, पहले लगती है बाद में नहीं, पहले व्यंजन के पहले कौन सी मात्रा लगती है बच्चों, छोटी की मात्रा, जो लेफ्ट साइड से हमारे उल्टे हाथ की तरफ से लगती है, ठीक है। अब उसके बाद व्यंजन के बाद में लगने वाली मात्रा है, दूसरा कॉलम देखो बच्चों ग्रीन वाला, व्यंजन के बाद लगने वाली मात्रा है, व्यंजन के बाद कौन कौन सी मात्रा लगती है, देखो आ की, बड़ी ई की, ओ की, औ की, ठीक है, ये चारों मात्राएं लगती है, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा जो सीधे हाथ की तरफ से ऊपर लगती है ना, ये बाद में लगती है ना सीधे हाथ की तरफ से, पीछे से मतलब, ओ की मात्रा ये भी पीछे की तरफ से लगती है, और औ की मात्रा ये भी पीछे की तरफ से, आ बड़ी ई ओ औ, ये चारों मात्राएं बच्चों व्यंजन के, जो व्यंजन होता है उसके पीछे की तरफ से लगती है, बाद में लगती है ना। नेक्स्ट है बच्चों व्यंजन के नीचे लगने वाली मात्रा है, जब व्यंजन के नीचे कौन कौन सी मात्रा लगती है, समझ जाओ आप आराम से, कौन सी, छोटे उ, बड़े उ और री, पढ़ाना अभी हमने, जो नीचे लगती मात्रा है ना, छोटे उ की मात्रा ये भी नीचे की तरफ लगती है, बड़े उ की मात्रा और ऋ से ऋषि की मात्रा, समझ गए बच्चों। तो ये व्यंजन है, व्यंजन में किस किस तरह की मात्रा है, कैसे यूज में आती है ये बताया आपको, एरो बना के बीच में देखो व्यंजन लिखा है ब्लू कलर में, है ना, और उसमें ऊपर तो दिखाया आपको कि व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्रा ए आई की, व्यंजन के पहले लगने वाली मात्रा छोटी ई की, व्यंजन के बाद लगने वाली मात्रा आ बड़ी ई ओ औ, ठीक है, और व्यंजन के नीचे लगने वाली मात्रा छोटा उ बड़ा उ और री, ठीक है। चलिए बच्चों ये हमारा चैप्टर हुआ मात्रा, इसमें आपने मात्राएं के बारे में जाना कि मात्राएं कौन कौन सी होती है, मात्राएं स्वरों की होती है, ठीक है, और मात्राएं कहाँ लगती है, व्यंजन के साथ जुड़ती है, ओके। तो ये मात्रा वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। अब इसमें देखो हमने क्या क्या सीखा, ठीक है बच्चों, अब आप इसमें देखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा। हमने बच्चों फर्स्ट पॉइंट सीखा कि शब्द रचना हेतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। जब हम कोई बच्चों शब्द बनाते हैं, कोई वर्ड लिखते हैं, तो उसमें व्यंजन के बाद जो स्वर लगता है, स्वर स्वर का यूज आता है, ठीक है, तो वो मात्रा कहलाता है। पढ़ाना अभी हमने सारी मात्रा स्वरों की मात्रा वो। सेकंड पॉइंट है बच्चों अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, बताया ना अभी, अ से अनार जो होता है ना बच्चों स्वर अ, उसकी कोई मात्रा नहीं होती,
आप भी जानते हैं, लिख के देखो ऐसे ना, इसकी कोई मात्रा नहीं लगी होती, ना ऊपर ना पीछे ना आगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, व्यंजन के बाद में आ बड़ी ई ओ औ आगे, है ना, व्यंजन के बाद में कौन सी मात्रा लगती है, इनकी, आ बड़ी ई ओ औ की, आगे की तरफ, और आगे लगती है बच्चों छोटे ई की मात्रा। ऊपर कौन कौन सी लगती है, जो अभी हमने पढ़े वही सब है बच्चों, उसी का रिविजन है, ए आई की, ऊपर कौन सी मात्रा लगती है, ए आई की, और नीचे छोटा उ बड़ा उ री की मात्राएं लगती है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने मात्राएं चैप्टर पढ़ा बच्चों, उसमें मात्राएं कौन कौन सी होती है, स्वरों की मात्राएं होती है, और ये मात्राएं कहाँ लगती है, व्यंजन के साथ जुड़ती है, और व्यंजन के साथ जुड़कर जब मात्राओं से नए शब्द बनते हैं मात्राएं लगाकर, तो वो कौन से हैं, वो शब्द पढ़े हमने, ठीक है। और व्यंजन में मात्राएं किस तरह से लगती है ये बताया गया है ना, ऊपर की तरफ आगे की तरफ से पीछे की कौन कौन सी होती है और नीचे कौन कौन सी मात्राएं लगती है। तो ये मात्राओं वाला चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों आपका, तो आप ध्यान रखिए इसको, अच्छे से रीडिंग कीजिए मात्राओं वाला चैप्टर को, और इनको समझिए अच्छे से, ठीक है बच्चों। बहुत ईजी चैप्टर है बच्चों, HKG में आप मात्राएं सीख के आए ना, बस उसी के बारे में बताएं, ताकि आप शब्द लिखना सीखें, सेंटेंस लिखना सीखें, मात्राओं को पढ़ना और लिखना सीखें। तो ये चैप्टर 3 में आपको मात्राएं के बारे में बताया गया, ठीक है। आप इसको फिर से रिविजन करेंगे, अच्छे से रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे बच्चों, ओके, थैंक यू।